शेख, आजकल हम कुछ सिस्टर्स को देख रहे होते हैं शेख, कि वो सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाते हैं शेख, उनका नाम होता है अकाउंट में और फोटो वगैरह तो नहीं डालती हैं। वो कुछ इस्लामिक रिलेटेड पोस्ट डालती हैं जिनसे उनको बहुत से गैर महरमात तो फॉलो करते हैं शेख। तो ऐसे जो जिन जो करते हैं उनके शोहर को हक हासिल है शेख कि आप इस तरह के अकाउंट नहीं बनाएंगे, अगर आप करना है ऐसा काम आप मेरा अकाउंट लीजिए, मेरा पासवर्ड लीजिए, मेरा ईमेल लीजिए, ऐसा ऐसा दे सकता है शेख को, ऐसा रोकना उसे जायज है। जैसा कर देखिए, दो दो मसला आ गए आपके सवाल के अंदर। पहला मसला ये कि औरत का सोशल मीडिया अकाउंट बनाना, उस पे इस्लामी जो है मालूमात शेयर करना, इसका क्या हुक्म है? तो अकाउंट बना करके दीन की तबलीग करना, दीन की बातें शेयर करना, यहां तक कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि ये मतलूब है अगर कोई औरत कर पा रही है तो। लेकिन मसला उस वक्त है जब इसके बाद जो बहुत सारी खराबियां आती हैं, मसला उसमें है। और हम बेशतर ये देखते हैं, बेशतर इल्ला मन रहम अल्लाह, हम सब पर तो हुक्म नहीं लगा सकते, लेकिन बेशतर ये देखते हैं कि ऐसे अकाउंट से ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि शरान जायज नहीं है, जैसे गैर महरम अजनबी मर्दों के साथ घुलना मिलना, उनके साथ बेतकल्लुफ होना, ये सारी चीजें नहीं जायज हैं। और आम तौर से सोशल मीडिया पर ये चीजें होती हैं जो कई दफा जो है फितने का बाइस बनती हैं। उमूमन उमूमन ये होती हैं, सब पर तो नहीं लेकिन उमूमन होती है। हम भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, हम उसमें बहुत सारे लोगों को देखते हैं, ऐसी बेतकल्लुफी, हंसी मजाक, बिल्कुल जो है दोस्ताना माहौल में, ये जायज नहीं है। और उमूमन उमूमन सोशल मीडिया पे जो जैसे बर्दर हुआ करते थे पहले, तो अभी बहुत सारी सिस्टर्स हैं सोशल मीडिया पर, जी, और अजीब अजीब तरह की हरकतें होती हैं। पहली बात तो दावत के लिए शर्त है कि पहले आपके पास इल्म होना चाहिए, वो तो शर्त मफकूद है। दूसरी बात, औरत की दावत का दायरा महदूद है, दूसरे लोगों से इंट्रेक्शन और बेतकल्लुफ होना, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये उसी वक्त बहुत सारे शुरूत के साथ जायज है। और मैं समझता हूं कि उनमें से बेशतर शुरूत इस वक्त सोशल मीडिया पर जो एक्टिविस्ट औरतें हैं उनके अंदर नहीं पाई जाती हैं, इसलिए उनको परहेज करना चाहिए। उनका अपना जो सर्किल है और औरतों का, उनके दरमियान वो एक्टिव रहें। और अजीब 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 तरह की मजबूही हरकतें इस वक्त फेसबुक पर आपको देखने को मिलती हैं दावत के नाम पर। देखिए, दुनिया जो है पूरी दुनिया आजाद है, आप जो करना चाहे करें, कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकिन प्लीज उसको दीन के नाम पर मत कीजिए, क्योंकि जब दीन के नाम पर आप करते हैं तो वो मैसेज ये जाता है कि दीन इस्लाम यही है, वो इस्लाम नहीं है। तो बहुत सारी औरतें जो सोशल मीडिया पर इस वक्त हरकतें करती हैं वो दुरुस्त नहीं है। अजनबी मर्दों से बेतकल्लुफ होना, बगैर इल्म के दावत करना, पता नहीं यहां तक कि अपनी तस्वीरें वगैरह भी पोस्ट करना, ये किसी भी तरह से जायज नहीं है, किसी भी तरह से जायज नहीं है। एक खास दायरे में रहते हुए अपनी इस्मत और इज्जत और इफ्फत और पर्दे वगैरह के जो हदूद हैं उनकी रियायत करते हुए अगर कोई कर सकती है तो इंशाल्लाह ये जायज है। दूसरा सवाल आपका ये है कि अगर कोई शौहर मना करता है अपनी बीवी को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से, तो क्या वो मना कर सकता है? वो बिल्कुल मना कर सकता है। अगर उसे पसंद नहीं है तो वो ना सिर्फ ये कि वो ये कह सकता है कि आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट इस्तेमाल कर लो, बल्कि अगर वो मुकम्मल तौर से मना करना चाहता है तो हमारी शरीयत ने उसे हक दिया है, क्योंकि ये औरत की बुनियादी जरूरत नहीं है। सोशल जी मीडिया पर एक्टिव रहना ये औरत की बुनियादी जरूरत नहीं है, बल्कि बेशतर घरों में तरबियत वगैरह के मसाइल जो मुकम्मल खत्म होते जा रहे हैं वो इसी टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या इसी सब की देन है। जी औरत टिकटॉक में बिजी है, औरत शॉर्ट्स में बिजी है, औरत जो है इंस्टाग्राम पे बिजी है, फेसबुक पे बिजी है, व्हाट्सएप पे बिजी है। ऐसा नहीं कि वो जरूरत के लिए इस्तेमाल होते हैं, बेशतर लोग इल्ला माशाल्लाह। तो अगर शौहर मना करना चाहे तो उसको ये हक है, वो मना कर सकता है। बाकी अगर औरत को बात करना है अपने अपनी दोस्तों से या अपने घर वालों से, उसके दूसरे भी तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा जाए। तो अगर शौहर नहीं पसंद करता है तो वो मना कर सकता है, अगर वो उसके नापसंद करने के बावजूद भी औरत इस्तेमाल करती है तो ये गलत है, वो नाफरमानी में चीज आएगी, जिस पर हमारी बात इंशाल्लाह जब शौहर के हुकूक पर हम आएंगे तो वहां तफसील से बात करेंगे। जी, अगर शेख वो गैर शादीशुदा लड़की बोलती है कि मैं बस अकाउंट बनाऊंगी और बस उलमा के मैं खुद जानूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं बस उलमा को फॉलो करूंगी और वीडियोस देखूंगी, ऐसा तो यहाँ जायज है शेख?
बिल्कुल मैंने कहा ना, मेरे जवाब में ये चीज आई कि अगर वो हुदूद में रहते हुए बल्कि पोस्ट भी कर रही है, जैसे उलमा के अच्छे अच्छे वीडियोज हैं, उसे मालूम है कि ये मोतमद ऑथेंटिक उलमा है, उनके वीडियोज वो शेयर कर रही है, तो जायज है ये, यहां तक कोई मसला नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि मसला यहां पर रुकता नहीं है, उमूमन मसला यहां पर रुकता नहीं है, इसलिए इस तरह के मसाइल के का जवाब देना मैं बहुत सेंसेटिव समझता हूं। आप अगर कहो जायज है तो मुकम्मल दरवाजा खोल दिया जाता है, आप कहो नाजायज है तो जाहिर है ये कहना गलत है कि नाजायज है, नाजायज तो नहीं है, वो जायज है, लेकिन दोनों के दरमियान एक जो है फासला होना चाहिए, तो इन शराइत और हुदूद के साथ ये जायज है।